राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। इसीलिए नाभा जी ने कहा यदि इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो एक नियम ले लो। क्या नियम ले? जो हरि प्राप्ति की आस है, जो हरि प्राप्ति की आस है तो हरिजन के गुण गाए, न तरु सुकृत भूंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए, न तरु सुकृत भूंजे बीज ज्यों जन्म जन्म पछिताए। भक्त के कर्मों में उत्पादकता नहीं रहती। काम्य कर्म भी उन्हें संस्कृति के चक्र में डालने वाले नहीं होते। अच्छा एक बात बताओ, पति प्राप्त हो ये इच्छा करना ये कामना है कि नहीं? पति की प्राप्ति की इच्छा कामना है? और ब्रज कुमारी काओ ने पति की प्राप्ति की कामना की और भगवान ने चीर हरण के पश्चात जब उनके ऊपर कृपा की, उन्हें वरदान दिया, उनसे संवाद किया तो क्या कहा भगवान ने? भागवत जी का श्लोक ध्यान देने योग्य। भगवान ने कहा न मैया वेशित धियाम कामाय कल्पते भर्जिता क्वचिता धाना प्रायो बीजा। हे ब्रज कुमारी का हो, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग चुकी है, मेरे प्रेम में एक बाल जिनके भीतर व्याकुलता जग गई है, ऐसे मेरे प्रेमी विरही भक्त, उनके मन में कभी कोई कामना भी आ जाए तो उनकी वह कामना उन्हें संसार के चक्र में डालने वाली नहीं होती, क्योंकि मेरे प्रेम की अग्नि में कामनाओं के बीज या तो जल जाते हैं या उबल जाते हैं। भर्जिता क्वथिता धाना, जो बीज भून दिए गए हैं अथवा उबाल दिए गए हैं उनको बढ़िया से बढ़िया खेत में डाल दो, उनमें अंकुरण नहीं संभव है। यहां लेकिन भैया जी ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, प्रायः प्रायः शब्द दे दिया। प्रायः माने अरे भूंज रहे हो, उबाल रहे हो, उसमें से एक दाना मान लो छिटक के हाथ से दूर चला गया और उसको बढ़िया खेत मिल गया तो एक भुनने से रह गया, उबलने से रह गया एक दाना, और वो कहीं किसी खेत में पड़ जाए तो उसमें तो अंकुरण हो जाएगा, वो बच क्यों गया? वो एक दाना कर्म का एक संस्कार बच कैसे गया? भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा से ना, भगवान की इच्छा से। ध्रुव जी विष्णु पुराण के अनुसार पूर्व जन्म में भगवान के महान भक्त थे, भगवत प्राप्ति की साधना में लगे थे, केवल 6 महीना बकाया थे,
एक राजकुमार से उनका प्रेम हो गया। राजकुमार जंगल में आया, वहीं उसने अपना तामझाम, तंबू टेंट सब लग गए, नाच गान शुरू हो गया। इनके मन में एक बात आ गई कि अरे भाई, बचपन से ही वैराग्य हुआ, सब छोड़ के भजन में लग गए, सब ठीक है, बढ़िया है, भगवत प्राप्ति तो होनी ही चाहिए, ये भी पर एक सुख तो है, कुछ नहीं, पेट पीठ एक है गई, हड्डी हड्डी रह गई, संसार का सुख तो भोग ही नहीं। हम भी राजा होते तो, हम भी राजकुमार होते तो हम भी सुख तो भोगते, ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? महान प्रेमी भक्त थे ध्रुव जी, पूर्व जन्म में भी। ठाकुर जी ने सोचा इस शरीर से यह मुक्त हो जाएगा तो न तो इसकी कोई चर्चा जानेगा और न मेरी भक्ति की, मेरे प्रेम की महिमा कोई जानेगा, पर इसके जो 6 महीना बकाया हैं, उन 6 महीनों में ये तपस्या करके 5 वर्ष की आयु में जब मुझे प्राप्त करेगा तो न जाने कितने बालकों को भजन की प्रेरणा मिलेगी। फिर ध्रुव रूप से प्रकट होकर के जब भक्ति करेगा तो असंख्यों जीवों को भक्ति प्रदान कर देगा। अभी अकेले मुक्त होएगा और दूसरा जन्म होगा तो यथा राजा तथा प्रजा, पूरी प्रजा को भक्त बनाकर सबको वैकुंठ का अधिकारी बनाएगा। इसलिए भगवान ने ही संकल्प पैदा कर दिया, प्रायो बीजाय नश्यते, एक बीज छोड़ दिया, ध्रुव जी का पुनर्जन्म हो गया। क्या क्या बिगड़ा? हमारे महाराज जी कहते थे कि 36,000 वर्ष का जो ध्रुव जी का राज्य हुआ तो देवराज इंद्र ने कहा कि जब तक ध्रुव जी गद्दी पर बैठे हैं तब तक कोई स्वर्ग आने वाला नहीं, क्योंकि किसी के मन में स्वर्ग की कामना ही नहीं रहेगी, सब निष्काम भक्त हो गए। ये तो सब स्वर्ग लोग ही नहीं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक को भी लांग कर सब वैकुंठ जा रहे हैं। तो भैया जब तक ध्रुव जी गद्दी पर हैं कोई स्वर्ग आने वाला नहीं, और जो स्वर्ग में रह रहे थे ना वो सोचते थे हमारे जल्दी पुण्य क्षीण हो जाएं, हमारा जल्दी धरती पर पतन हो जाए, हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। क्यों? ध्रुव जी की प्रजा के रूप में जन्म लेते ही मुझे भगवान की भक्ति मिल जाएगी, कहां स्वर्ग में अटके पड़े हैं, स्वर्ग उस्वल्प अंत दुखदाई, सीधे वैकुंठ मिलेगा। और जमराज भी बोले जब तक ध्रुव जी गद्दी पर बैठे ना 36,000 वर्ष तक, तब तक एक भी कोई जीव नरक तो आएगा नहीं, क्यों? कोई पशु पक्षियों में तो भक्ति के संस्कार हो गए, पशु पक्षी भी एकादशी व्रत करते हैं, पशु पक्षियों में भी भक्ति के संस्कार ध्रुव जी के राज्य काल में आ गए, प्रजा का तो कहना क्या है। अब तो पुराने पापियों से मन बहलाओ, अब नया पापी कोई आने वाला नरक में नहीं है। अब जो पुराने पापी जिनसे जमदूत मन बहला रहे थे ना, वो भी हंसते थे, वो कहते थे और कठोर से कठोर दंड, जल्दी पापों का भुगतान कराओ। क्यों? बोले यहां से भोगने के बाद फिर तो धरती पर जन्म लेंगे, और धरती पर जन्म लेंगे तो ध्रुव जी की प्रजा बनेंगे और तुमको अंगूठा दिखा के वैकुंठ जाएंगे, कर लेना, हमारा क्या बिगाड़ते हो, अभी जो कुछ करना वो कर लो। ऐसे ध्रुव जी का तो अब बताओ, उस जन्म में अकेले मुक्त हो जाते उसमें ज्यादा लाभ था कि ध्रुव रूप में जन्म लेकर असंख्यों जीवों को भगवान का भक्त बना दिया, इसमें लाभ है? पूज्य बक्सर वाले भक्तमाली जी महाराज, अनंत श्री समलंकृत श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, उनके मुखारविंद से दास ने सुना, सुदामा कुटी में भागवत जी की 9 दिन की कथा थी, 2 समय कथा कहते थे मामा जी से, विचित्र कथा थी, हम उसमें पाठ करता थे, मूल पाठ हमने किया था, 4 घंटे सवेरे 4 घंटे शाम को, 8 घंटे कथा होती और 9 दिन की कथा थी, बहुत साल पुरानी बात।
तो उन्होंने कहा कि मेरे राम को बचपन में भजन की प्रेरणा ध्रुव चरित्र सुन करके मिली। एकदम बचपन में ध्रुव चरित्र सुन करके भजन की प्रेरणा मिली। हमारे मलुकपीठ की गौशाला में श्रद्धेय पूज्य परमहंस जी महाराज विराजते हैं, बड़े अनुपम अद्भुत संत हैं। परमहंस जी महाराज को भी इस भजन के मार्ग की प्रेरणा बचपन में ध्रुव चरित्र सुनकर के मिली। ध्रुव जी का चरित्र सुनकर उन्होंने घर छोड़ दिया बचपन में। ये है भक्तों के चरित्रों के श्रवण से कितनी प्रेरणा मिलती है भजन की। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी।